ठीक है, अभी जो है हम बेसिकली यहाँ पे खड़े हैं हॉस्पिटल दे युब्रेगा, और यहाँ पर जो है हम रेनफे के ज़रिए अब जा रहे हैं बादलोना, जो कि यहाँ से तकरीबन अराउंड जो है 18 to 20 किलोमीटर दूर है। तो उसके लिए फिर हम रेनफे में मूव होंगे। अब हम स्टेशन किस पे खड़े हैं? हॉस्पिटल दे योब्रेगा स्टेशन पर खड़े हैं, और बादलोना हमें जाना है। वो एक खूबसूरत व्यू बीच पॉइंट है शायद। अब टाइम कितना हुआ है? बीच पॉइंट तो नहीं है, वो एक दूसरा जो है वो म्यूनसिपल है बार्सिलोना का छोटा म्यूनसिपल टाउन है, वहाँ हमें जाना है। उसके बाद फिर वहाँ पे एक बीच पॉइंट भी है। तकरीबन यहाँ का अभी टाइम 6 हुआ है और पाकिस्तान में 9 बजे होंगे। यहाँ तक दिन जो है रात को 10 बजे ढलता है, तकरीबन 10:45 हो जाते हैं दिन को ख़त्म होने में। अभी ये ट्रेन जा रही है, दूसरे स्टाप वाली है, हम दूसरी स्टाप की ट्रेन में चढ़ेंगे। जैसे कि हम यहाँ पहुँचे थे ना, उस टाइम एक रेनफे नाम की ट्रेन जो फास्ट चलती है वो निकल चुकी थी। अब दूसरी का जो टाइम है वो 6:15 है, 8 मिनट और भी हमें इंतज़ार करना है ट्रेन के लिए। जो बादलोना टाउन छोटा सा है, बार्सिलोना से थोड़ा 1.5 घंटे का सफ़र है, वहाँ हम पहुँचेंगे। उसके आगे फिर एक बीच है बादलोना, वहाँ हम जाएँगे। फिलहाल यहाँ गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं ये रेनफे का जब आए। अब यहाँ हम बैठे हैं स्टेशन पर रेनफो की, और बादलोना की तरफ जाएंगे। जाहिर है बीच में कितने स्टेशन आते हैं उसका हमें अंदाज़ा यानी गूगल में हम देख रहे हैं मैप, सुरेश भाई देख रहा है ताकि हमें पता लगे कि किस तरह के कौन से स्टेशन कितने टाइमिंग में आएंगे, उसका एक अंदाज़ा लुक हम दिखाने जा रहे हैं आपको। देखें आप किस तरह देखते हैं। सही कौन बाबा हमें देखें? अच्छा, तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमारे पास 6 स्टॉप्स हैं, यानी 6 स्टेशन हमें आएंगे रास्ते में। और सबसे पहले आएगा बार्सिलोना फ्रांस, फिर आएगा कातालूनिया, फिर आगे ट्रोफ, और फिर बार्सिलोना एल क्लॉट, और उसके बाद लास्ट स्टेशन जो है हमारा वो होगा सांत आंद्रिया दे बेसोस। तो सांत आंद्रिया दे बेसोस के बाद फिर हम थोड़ी सी वॉक करेंगे, वो मेरे ख्याल से अराउंड कोई 5 मिनट की कोई वॉक है वो, और उसके बाद इस तरह जो है हम पहुंच जाएंगे हमारी मंजिल पे जो है हमारी बादलोना। और अगर ओवरऑल अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो बेसिकली हम लोग जो है जो मूव होना स्टार्ट हुए वो यहाँ से मूव होना स्टार्ट हुए हॉस्पिटल दे योब्रेगात, और ये भी एक म्यूनसिपलिटी है बार्सिलोना की। और अब हम यहाँ से मूव होते हुए रेनफे के ज़रिए यहाँ से मूव होते हुए हम ये जो है वो सांत आंद्रिया दे बेसोस तक पहुँचेंगे, और फिर वहाँ से बादलोना, जो कि हमारा आज का जो टारगेट पॉइंट है फॉर टूर पर्पस।
अब हम यानी बार्सिलोना जो टाउन है बार्सिलोना सिटी से कुछ फासले पर है उस रेनफे ट्रेन जो फास्ट चलती है उसमें बैठ चुके हैं। इस तरह हमें सीटें भी मिल गई है और यानी आपने ट्रेन का अंदर का भी यानी सिस्टम देखा, तो इसको कहते हैं रेनफे ट्रेन। ये फास्ट ट्रेन है जो तेज़ी से चल रही है और आप देखें इस ट्रेन से हम आपको यानी बाहर का व्यू दिखा रहे हैं, तो इस स्पीड से ट्रेन जा रही है और बाहर का मंज़र भी आप देखें किस तरह शेर का सिस्टम बना हुआ है और इसकी रेल लाइन किस तरह बनी हुई है वो भी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह यानी अब यानी रेनफे का सफ़र हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। इससे पहले आपको मेट्रो ट्रेन जो अंडरग्राउंड चलती थी उसका भी दिखाया, किस तरह चलती है उसके भी मंजर दिखाए, ट्रेन का सिस्टम भी बताया था, उसके बाद मेट्रो बस का भी बताया, उसका भी व्यूज़ देखे। अब यानी आप देखें उसके बाद ट्राम जो ट्रेन टाइप की किस्म थी उसमें भी बैठे थे, वो भी व्यू आप देख चुके हैं, अब इसका भी देखें। अब आप देखें इस वीडियो में आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं, किस तरह का यानी दिलकश मंज़र है, बाहर की जो सीनरी है वो हम रेनफे ट्रेन चल रही है उसकी खिड़की से इसका व्यूज़ आपको दिखा रहे हैं। मंज़र जो है बहुत दिलकश है, ये ट्रेन बहुत फास्ट चलती है। इस तरह यानी हमने यानी सफ़र किया, मेट्रो ट्रेन में भी किया, फिर मेट्रो बस में किया, उसके बाद ट्राम टाइप की ट्रेन है वो भी पटड़ी पर चलती है उसमें भी सफ़र किया, उसके भी व्यूज़ आपको दिखाए, मंजरकशी वगैरह। अब हम रेनफे ट्रेन में चढ़े हैं, इसका भी देखें, अब स्टेशन आने वाली। इस तरह यानी हम खड़े हो गए हैं, तो ये सुरेश कुमार भी जो मेरे साथ है ये भी खड़ा हो गया है, तो वो कह रहा है कि यानी अब चलें, स्टेशन हमारी नज़दीक है। और किस तरह यानी लोग देखें सफ़र कर रहे हैं और दिलफरेब नमूने से यानी बैठे हुए, मुनज़म तरीके से डिसिप्लिन के साथ यानी बैठे हुए लोग जो है सफ़र करते हैं। इस तरह यानी अब आपको यानी वहाँ जाके यानी वहाँ का जो टाउन है वो घुमाएंगे, तो किस तरह ये टाउन बना हुआ है उसकी भी वीडियो इस किस्त के साथ शामिल है। ये ट्रेन खड़ी हो गई और ये सुरेश कुमार भी उतरा और मैं भी इसके पीछे पीछे उतरने लगा हूँ। इस तरह देखें ये स्टेशन है इसकी, रेनफे ट्रेन जो चली जो इधर बार्सिलोना टाउन पहुंची है, और सामने समंदर भी नज़र आ रहा है उसका भी व्यू आपको इसमें देखें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो माने ये एक किस्म का बीच भी है इसके साथ, इसी बीच को देखने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। इस तरह देखें ये लोग सारे टूरिस्ट हैं उतरे हैं, और इस तरह यानी स्टेशन पर देखें ये नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ है नीचे जाने की सीढ़ी, तो आस्ता आस्ता यानी देखें हम नीचे जा रहे हैं। ये सारे जो टूरिस्ट हैं या पैसेंजर हैं ये सारे अंडरग्राउंड देखें नीचे जा रहे हैं। ऊपर ट्रेन चलती थी चल रही है और नीचे देखें ये अंडरग्राउंड है, अंदर लाइटिंग वगैरह भी जल रही है ताकि अंधेरा ना हो। और सामने एलिवेटर वाली देखें वो लाइट पर चलने वाली सीढ़ी है, एक जाने की है एक आने की है। हम यानी उतरने वाली से आए हैं, अब बाहर आस्ता आस्ता यानी शहर की तरफ जा रहे हैं, रुक कर रहे हैं, पहले शहर में जाएंगे तो वहाँ सिचुएशन क्या है शहर को थोड़ा देखेंगे, तो क्या सीन है क्या मंज़र है वहाँ का। इस तरह यानी वो भी इस वीडियो में अब आगे शहर का व्यू देखेंगे, उसका साइट देखेंगे, उसके बाद हम यानी इस यानी बीच पर आएंगे, फिर उसका मंज़र आपको इस वीडियो में
दिखाएंगे। इस तरह बराए मेहरबानी करके मदन माली ट्रैवल वर्ल्ड चैनल को मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स। ओके।